हाई स्टूडेंट, लुक वी हैव डिस्कस अवर टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम का रिविजन सेक्शन में बेटा हम लोग रिविजन कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में हमने सरफेस एरिया बेस्ड प्रॉब्लम देखे। आज के क्लास में हम वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में हमें वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एंड मे बी वी ट्राई टू बी सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे। इट्स गिवन दैट अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर फुल ऑफ वाटर एंड टचेज द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 120 सेंटीमीटर एज्यूमिंग दैट द हेमिस्फीयर एंड द कोन हैव अ कॉमन बेस। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करते हैं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर फुल ऑफ वाटर राइट सिलेंडर फुल ऑफ वाटर मीन्स जो हमारा इस फोसन का जो बेटा फिगर फॉर्म होगा, जो शेप बनेगा, वहां पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करते हैं रफली फिगर। क्या है हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर में क्या है कि प्लेस्ड है, एक सॉलिड प्लेस्ड है जिसका जो बेस है वो हेमिस्फीयर बेस है और उसपे कोन माउंटेड है। कोन ठीक है। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सिलेंडर फुल ऑफ वाटर एंड टचेज द बॉटम। ठीक, अब अभी हमारे पास फिगर है, वी हैव नाउ फिगर, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट है जहाँ पे ठीक है बेटा, इंफॉर्मेशन के अबाउट पे हमने फिगर ड्रॉ कर लिया हुआ है। अब देन क्या गिवन है यहाँ पे, a solid consisting of a right cone standing on a hemisphere is placed upright in a right cylinder full of water and touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm. Radius of the cylinder ये दे रखा है, r is equal to 60 cm. ठीक है बेटा, तो जो radius of cylinder होगी वो same आपका इस hemisphere का भी radius होगा, क्योंकि दोनों same, क्योंकि वहां पर दे रखा है, assuming that the hemisphere and the कोन है कॉमन बेस एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। हाइट दे रखा है 180 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 60 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 120। जो कोन है उसकी हाइट क्या दे रखा है, इट्स 120 सेंटीमीटर। देन वी हैव अज्यूम दैट हेमिस्फीयर एंड द कोन हैड अ कॉमन बेस। ठीक, बेस मतलब कि वहां पर टच करा कॉमन बेस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम लेफ्ट इन द दिस सिलेंडर बिकॉज वी हैव टू फॉलो ऑफ फाइंड आउट दैट वॉटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। देन व्हाट वी हैव,
यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट दे क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सेफ एक सॉलिड फिगर है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख लेते हैं माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक। चलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई के टर्म्स में लिख देते हैं, पाई को नहीं सॉल्व करते, पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या आती 60, हाइट 180, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मीन्स 2/3 पाई आर 60³ प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मीन्स 60 आर स्क्वायर इंटू एच, एच इज आवर 120, ठीक है बेटा। तो 60 स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे, मैं कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसलिए पाई के टर्म्स में छोड़ दिया। 60 स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा बेटा 3600, ठीक है, इंटू 180 मीन्स 36 इंटू 18 कर लेते हैं, 8 6 48 4 8 3 24 6 30 34 कैरी 3 1 3 6 एंड वी गेट अवर 648 पाई के टर्म्स में लिखते हैं, वी गेट 648 एंड 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब डायमेंशन यूनिट बार लेंगे माइनस, ठीक है बेटा। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ रही है कैलकुलेशन के बाद व्हाट वी गेट 648 000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं, इट्स अ 2/3 पाई 60³, देखो 60³ क्या आएगा 216 000 आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो वी गेट डिवाइड बाई 3 72,000 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट 224 मीन्स जो हमें मिलेगा वो मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द सेमीस्फीयर वी गेट 144 क्यूबिक सेंटीमीटर प्लस, यहाँ पे निकालते हैं तो देखो बेटा यहाँ पर लगभग सेम चीज आएगी, अगर यहाँ से 60 कॉमन करें तो 60 का क्यूब हो जाएगा, 60 का क्यूब और देन इंटू 60 इंटू 2 मीन्स 260 इंटू 2 देन 0 0 0 2 6 12 1 2 1 2 3 देन 432 डिवाइडेड बाई 3, तो हमने पाई लेफ्ट कर दिया तो आगे टर्म्स में पाई भी रहेगा, पाई प्लस डिवाइडेड बाई 3 3 1 3 3 4 12 3 4 12, तो ये भी हमारा लगभग सेम ही आ रहा है, इट्स व्हाट वी गेट 144 ऑब्वियसली सेम आया, 2/3 वो सेम ही आता, सॉरी फॉर दैट कैलकुलेशन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 60 कॉमन कर लेते 2 देन तो सेम चीज 2/3 पाई 60³ भी हो जाता, तो ये देन वी हैव आगे यहाँ भी पाई जाएगा देन 648 000 पाई माइनस 288 000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, अब इसको माइनस कर दीजिए आप व्हाट विल इट 000 पाई 648 880 1486 कैरी 5 2 3 एंड व्हाट वी गेट द लुक वहां पे मिस्टेक कर दिया, इट्स अ सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो बेटा ये हमारा व्हाट वी गेट जो हमें मिल रहा है इट्स जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द ऑब्जेक्ट है वो क्या है 36,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं, अब जो प्रॉब्लम थी वो क्या था कि हमारे पास ये है सिलेंडर, हमारे पास एक सिलेंडर थी जिसमें एक सॉलिड को डुबो दिया, एक सम्बल एक सॉलिड को मर्ज कर दिया यहाँ पे, तो हमें पता करना था कि इसमें कितना वाटर लैप्ड है, तो जो सिलेंडर में वाटर लैप्ड है उसको टू फाइंड आउट दैट हाउ मच वाटर इज लैप्ड देयर, वहाँ पे कितना पानी लैप्ड है, टू गेट दिस व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू बी फाइंड आउट हियर टू गेट दैट कि हमें वहाँ पे कितना यहाँ पे इसमें वाटर लैप्ड है, व्हाट वी डू हमें क्या करना पड़ा, वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट किया हमने कि कितना वॉल्यूम है सिलेंडर में. To get the volume of water in cylinder, what we have used the formula pi r square h, pi r square 60 ka square into h, h 180 put kiya, then minus volume of the solid. Volume of solid kaise milegi jo hamari solid thi, wo kaise shape thi, wo bana hua kya aapke beta? Ek hemisphere hai, us hemisphere pe ek cone hai, mounted hai. So to get the volume of solid, volume of hemisphere plus volume of cone. Volume of hemisphere 2 by 3 pi r cube, volume of hemisphere 1 by 3 pi r square. Value put kiya, pi ke jagah mein pi substitute kiya, uske pi ke value put nahi ki, pi ke terms mein nikala. Then volume of water in cylinder minus volume of solid, we get finally 36000 pi centimeter cube. 36000 pi centimeter cube. Itna water us object mein beta lap karayega, theek hai. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ लुक, वी आर गोइंग टू यूज नेक्स्ट क्वेश्चन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वी हैव यहां पर जो गिवन है बेटा, अ जूस सेलर एक serve his customers using glasses shown in figure. The inner diameter of the cylindrical glass is 7 cm and height 12 cm. The bottom of the glass has a raised hemispherical portion. Find the apparent capacity and the actual capacity of the glass. ठीक. Now जो given एक figure दे रखा, figure drawn करता हूँ अभी, कि juice seller है, वो serve करता है customers को juice. जो inner diameter of the cylindrical glass है 7 cm, height 12 cm. तो ये आपकी ग्लास है. अब वो ग्लास का शेप वहां पे थोड़ा सा पोर्शन अंदर इनसाइड उठा हुआ है, ठीक. जो अंदर ये ग्लास है खुली उठी हुई है, ठीक. तो ऑब्वियस है कि इनसाइड ग्लास आपका थोड़ा सा उठा हुआ होगा, तो जो रियल वॉल्यूम होगी, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास कुछ और होगी, अपरेंट वॉल्यूम कुछ और होगी. दोनों में दोनों कैलकुलेट करना है यहाँ पे. वी हैव गिवन दैट इधर डायमीटर ऑफ द ग्लास 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 दिया है, मीन्स जो हमारा रेडियस होगा आर क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर. एंड जो हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक. तो एक्चुअल वॉल्यूम की बात करेंगे तो टू गेट द वॉल्यूम, जो हमारी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्या होगी, वो एक्चुअल वॉल्यूम हो जाएगी उसकी, ठीक है. तो जो हमारी बात करें, जो उसकी कैपेसिटी होगी या अपेरेंट कैपेसिटी जो होगी, सॉरी मैंने एक्चुअल बात कर दी, एक्चुअली जब जो सीधा वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास, वॉल्यूम का सिलेंडर ग्लास के जो वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे, वो हमें क्या मिलेगी, सिंस यहाँ पे तो अंदर वाला पार्ट जो हेमिस्फीयर पोर्शन उठा हुआ है वो तो हम कैलकुलेट करें नहीं, तो हमारी अपेरेंट जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास होगी क्या हुआ, और apparent capacity of glass is equal to volume of cylinder, जो cylinder की volume होगी वही हमारी apparent capacity of glass होगी, क्या हो जाएगा बेटा, pi r square h, ठीक. चेक करते हैं pi की value put करने की नहीं करनी है. Now गिवन है जिन पाई की वैल्यू वही 7 ले जाते हैं, टर्म्स में छोड़ सकते हैं, 22/7, आर इज आवर 7/2 इंटू 7/2 एंड हाइट, बट इज आवर हाइट, हाइट इज आवर 12, देन व्हाट वी गेट, 11 इंटू 7 इज 42, 11 टू 22 टू 11 टू 4 हमें एक्चुअल कैपेसिटी कैसे मिलेगी वो तो हमें चेक करना पड़ेगा. हाउ कैन वी गेट आवर एक्चुअल कैपेसिटी,
हमें एक्चुअल कैपेसिटी यहाँ पे कैसे मिलेगा? एक्चुअल को कैसे मिलेगा बेटा, कि जब ये जो हेमिस्फीयर पोर्शन की जो वॉल्यूम है अगर उससे हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? तो एपरेंट कैपेसिटी कर ले लेते हैं अलग से। एपरेंट कैपेसिटी जो बेटा हमें मिली है वो 462 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। Now we are going to find out actual capacity of the glass. It's what? Actual capacity of the glass, देखें तो हमें जो volume of cylinder है उसमें से अगर हम minus कर दें क्या, इस volume of this hemispherical portion, जो हमारा hemispherical portion shape हो जो inside the glass है, अगर उसको minus कर दें तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा? Actual capacity of glass मिल जाएगा। Means volume of to get the actual capacity of glass we have to be subtract the hemispherical bottom, उसको आप subtract करना पड़ेगा। तो चलिए वो करते हैं, वहां पे volume of cylinder minus volume of hemisphere। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 462 क्यूबिक सेंटीमीटर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर का 2 बाई 3 पाई 22/7 लेते हैं आर क्यूब। रेडियस, रेडियस सेम हो जाएगा उसके साथ सेम बॉटम के साथ, तो 7 बाई 2। ठीक है बेटा, कैंसिल, 2 से ये कैंसिल कर दिया। देन वी हैव 462 माइनस 77/3 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा एक्चुअल कैपेसिटी आ रहा है इट्स 2/3 पाई आर क्यूब। लुक, वी हैव डन अ मिस्टेक, आर क्यूब हमने नहीं लिखा है, हमने आर को दो ही बार लिखा है। देन वी हैव अ वन अनदर 7/2 देन वी गेट्स गिवन बाय 462 माइनस 7749 और वी हैव टू 3 × 2 = 6 7749 वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 49 × 11 11 9 99 11 4 44 9 44 655 353 देन वी गेट 539/6 ठीक है। देन हाउ वी गेट, वी गेट 2 6 12 6 36 37 3 6 4 24 27 माइनस 539/6 एंड फाइनली क्या मिलेगा हमें? 12 9 3 6 3 3 एंड 27 - 5 22 2 2 3 3/6 क्यूबिक सेंटीमीटर। फर्दर भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इट्स व्हाट वी गेट, वी गेट 2 2 3 3/6 या फर्दर सॉल्व करें तो वी कैन राइट डाउन द फ्रैक्शन पार्ट 6 3 18 22 4 43 6 7 42 and 6 2 12 कैरी वन होगा, मीन 372 होलसम 1/6 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या जो हमारा आंसर 372 होलसम 1/6 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारी क्या मिलेगी? ये हमारी थी कौन सी? एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। जो जूस सेलर जो जैसा ग्लास यूज कर रहा है, एक्चुअली में जो ग्लास है वो कितना फर्क पड़ रहा है वहां पर, 372 पॉइंट समथिंग आएगा, इट्स 372.11 पर कुछ आएगा वहां पर आगे। 400 आपको जो दिखता है वो दिखता है कि 462 जो उसकी वॉल्यूम है वो 462 आपका कैपेसिटी, जूस कैपेसिटी मिलेगी आपको जो ग्लास की वॉल्यूम है। पर जो उसके अंदर उन्होंने जो उसने हेमिस्फीयर पोर्शन जो उठा हुआ तल है वो
वो क्या कर दे रहा है, वो लगभग 90 अप्रोक्स 90 ml की डिफरेंस ला रहा है, ठीक है, अप्रोक्स 90 ml की डिफरेंस ml में चल जा रहा है, 90 सेंटीमीटर क्यूब की डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्रास का शेप का कितना फर्क पड़ा वहां पर भी आते, मतलब मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, ठीक है। 19 क्यूबिक सेंटीमीटर का जूस का वो फायदा ले रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम है अपरेंट वॉल्यूम में 90 क्यूबिक सेंटीमीटर का फर्क का डिफरेंस था वहां पर, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and the radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim. When lets out, each of which is a sphere of radius 0.5 cm are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead salt dropped in the vessel. क्या करूँ जो vessel है इसका shape है, उन्होंने क्या बोला कि एक inverted cone है, ठीक है बेटा, जो vessel का shape है वो क्या है, एक inverted cone है, ठीक, और वो फुल ऑफ वाटर है। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इफ इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है इसका 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और ये रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं अगेन, तो हमें इस लाइन हाइट से कोई मतलब है ही नहीं, जो वॉल्यूम ऑफ आपका कोन होता है उसका जो फॉर्मूला है 1/3 πr² vr, हमारे पास रेडियस भी है, हमारे पास हाइट भी है बेटा, ठीक। तो करना क्या है इसमें, अगेन क्वेश्चन रीड करते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, व्हेन लेट शॉट ईच ऑफ व्हिच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो कह रहे हैं कि ये जो शेप है, जो वेसल है, वो फुल ऑफ वाटर है, पानी से भरा हुआ है, और उसमें क्या करते हैं, कुछ लेड जो गोले हैं, छोटे गोले के छर्रे होते हैं, लेड सॉल्ट उसमें डाल रहे हैं, जैसे उसमें पुट अप कर रहे हैं कुछ नंबर ऑफ लेड सॉल्ट डाल रहे हैं वहाँ पे, वैसे जो 1/4 ऑफ द वाटर है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जो वॉल्यूम है इस इन्वर्टेड कोन की, उसका 1/4 पार्ट ऑफ वाटर क्या होता है, वो बाहर निकल जा रहा है। तो हमें टू बी वी हैव टू फाइंड हियर कि हम वहाँ पे कितने नंबर ऑफ लेड सॉल्ट उस ब्रिम, उस इन्वर्टेड ब्रिम में डाल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, इस इन्वर्टेड कोन की वॉल्यूम निकालने, और जो उसका 1/4 ऑफ द वॉल्यूम निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ लेड सॉल्ट इनटू द वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सॉल्ट, वो दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, वो इक्वल होंगे, क्योंकि जो एक लेड सॉल्ट है उसकी अपनी वॉल्यूम होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट क्या होगी, जो नंबर ऑफ वहां पे लेड सॉल्ट यूज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ लेड सॉल्ट इनटू द वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सॉल्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज देयर। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम नंबर ऑफ लेड सॉल्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ व्हाट वेसल, इस वेसल के वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, इट्स गिवन बाय 1/3 πr² h, ठीक है बेटा, चेक करते हैं पाई की वैल्यू गिवन है कि नहीं है, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो पाई के टर्म्स में छोड़ देते हैं, तो फाइनली वहां पे भी जो हमारा स्प्रिंग वॉल्यूम आएगा लेट सॉल्ट वो कोई पाई के टर्म्स में आएगा, तो मैं भी वहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई की इशू नहीं रखे यहाँ पे, 1/3 πr² को पाई के फॉर्म में रखते हैं, r वी हैव r इज 5 हियर स्क्वायर एंड h इज 8, देन व्हाट वी गेट, वी गेट हियर 25, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 25 इनटू 8 वी गेट 200, then finally the volume of vessel we get 200 upon 3 πr cubic centimeter cubic. Now we have the volume of vessel here. Now
वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट टू द वेसल नाउ ओके इट्स अ 1/4 ऑफ दिस इन 1/4 ऑफ 200/3 पाई फाइनली व्हाट वी गेट आफ्टर सॉल्विंग इट्स अ 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब मीन्स इतना वाटर इतना वॉल्यूम कितनी वाटर फ्लोज आउट हो चुकी है जो ये वाटर फ्लोज आउट हो चुकी है वॉल्यूम की वो क्या किसके इक्वल होगी नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वन लेफ्ट सॉल्ट वॉल्यूम ऑफ वन लेट सॉर्स इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ लेट सॉर्स स्फीयर फॉर्म है 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे जो रेडियस ऑफ लेट सॉर्स चेक कर लेते हैं एंड विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर 0.5 नाउ इट्स 4/5 × 5 × 5 × 5 × 125 पाई And here we have 0.125 centimeter cube. Then 4 से multiply कर लेते हैं. Then what we get? 4/5 = 20. 4 × 2 = 5. Means we get 0.500/3π centimeter cube. Look. बेटा हमने व्हाट वी गेट हमने वॉल्यूम ऑफ वेसल फाइंड आउट किया इट्स इक्वल टू 200/3 π cm³ देन हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट टू द वेसल जो पानी बाहर है उसने बोला कि जैसे लेट सॉल्ट डालते हैं कैसे लेट सॉल्ट वहाँ पुट करते हैं तो जो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल है उतना पानी बाहर चला आता है हमारा देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वेसल हाउ कैन वी गेट द वॉल्यूम ऑफ वेसल इट्स इन्वर्टेड कोन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ठीक है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आर की वैल्यू रेडियस 5 का रखा था हाइट 8 का रखा था पुट किया वी गेट 200/3 π cm³ इतना पानी भरा हो तो कहाँ पे वेसल में जैसे ही कुछ नंबर ऑफ लेट सॉल्ट वहाँ पुट अप करते हैं उस वेसल में डालते हैं देन 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम देयर 1/4 पार्ट ऑफ द वाटर वहाँ से फ्लोज आउट होते हैं देन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट टू द वेसल इज गिवन बाय 1/4 इनटू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल देन वी गेट 50/3 π cm³ इतना वॉल्यूम का पानी का वॉल्यूम वो बाहर फ्लो हो गया और ये किसके बराबर होगा नंबर ऑफ लेट सॉर्ट इनटू द वॉल्यूम ऑफ वन लेट सॉर्ट इसके इक्वल करना है देन वी गेट द नंबर ऑफ लेट सॉर्ट देयर देन फाइनली वी आर गेटिंग द वॉल्यूम ऑफ वन लेट सॉर्ट इक्वल टू 4/3 π इट्स रेडियस क्यूब रेडियस की 0.5 था इट्स उसका क्यूब किया तो वी गेट 0.125 4 से मल्टीप्लाई किया देन वी हैव 0.500 π cm³ / 3 इतना पानी उधर देन नाउ देखिए इस वॉल्यूम ऑफ वेसल की जरूरत तो है नहीं इसको रब करते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा देन कैलकुलेट एन नंबर ऑफ सॉरी वहां पर पहले हमको मेंशन करना चाहिए था कि एन नंबर ऑफ लेट्स ऑफ मिस कर दिया वहां पे पहले इसको ऊपर मैंने लेट एन नंबर ऑफ लेट सॉर्ट यूज देयर एनीवन कोर्स ऑफ व्हाट वी हैव एन इनटू वॉल्यूम ऑफ वन लेट सॉर्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज ठीक है बेटा So then, how can we get n there? To get n, volume of water flows. कितना volume of water flows? ये था हमारा 50/3π upon volume of one lead sort. It's what we get. 0.500/3π. ठीक है? ये 3 and 3 cancel हो गया, pi and pi cancel हो गया. Then इट्स 0.5 तो वहां पे क्या हो जाएगा 50 वी हैव 30 हियर देन वी गेट 500 देन वी गेट 100 मींस 100 नंबर्स ऑफ लेट सॉर्ट हमने कितना लेट सॉर्ट वहां पे यूज किया था 100 नंबर ऑफ लेट सॉर्ट वी हैव यूज्ड इन द इन्वर्टेड कोन वेसल देयर
जो हमारी वेसल थी जो इन्वर्टेड कोन थी उसमें 100 लीटर सॉल्ट यूज किया तो उसके वॉल्यूम का 1/4 ऑफ द वाटर क्या हो गया, वो फ्लोज आउट हो गया। ठीक है बेटा, इट्स एनफ फॉर टुडे क्लास। थैंक्स टू ऑल।